राजस्थान में 41 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी में बगावत और विरोध के सुर उठ रहे हैं। भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट से लगातार दो बार बीजेपी की विधायक रही अनीता सिंह ने टिकट नहीं मिलने के बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करी। अनीता सिंह ने घर पर उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पंचायत आयोजित हुई थी, जिसमें लोगों ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और अनीता सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अनीता सिंह ने खुलकर कहा कि वसुंधरा का करीबी होने की वजह से उनका टिकट काटा गया है। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर खुद को धोखा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस बात भरतपुर की नगर सीट से अनीता का टिकट काटकर जवाहर सिंह बैडम को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज सुबह मेरे गांव वाले इकट्ठे हुए थे अपने आप और उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप जो है 5 मिनट में गांव आइए। तो मैं वहाँ चली गई, देखा तो पूरा गांव वहाँ पर खड़ा था और गांव खड़ा था, तो मैंने सबसे पूछा कि भाई आदेश करो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इस पार्टी को बढ़ाने में और इसकी सेवा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हमारे गांव का नाम आपके नाम से है। सुंदरावली को लोग इसलिए जानते हैं कि यहाँ के विधायक है, यहाँ के एमपी रहे हैं, राजनीति हमारा काम है। अगर आज आपको टिकट नहीं मिला और हम चुनाव यहाँ से नहीं लड़े, जीते नहीं, तो हमारे गांव की जो खुशबू है उसमें कमी आएगी। और हम सब आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा सुंदरावली गांव ये चाहता है कि अब तक आपने पार्टियों से चुनाव लड़े होंगे, इस बार आप हमारे गांव की तरफ से चुनाव लड़ो, ये हमारा आपको आदेश है। आप सब जानते हैं कि राम से और गांव से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं मेरे गांव में, क्योंकि आज तक मैं जो भी राजनीति में चली हूँ, बड़ी हूँ, मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे आगे बढ़ाया है। चाहे मैंने जिला प्रमुख के पर चुनाव लड़ा या मैंने प्रधानी का लड़ा या 4 मैंने विधायकों के चुनाव लड़े, हमेशा जो है मुझे मेरे गांव ने साथ दिया है। मेरा परिवार है और मैं उनकी बात को इनकार नहीं कर सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। क्योंकि फोन के द्वारा भी जिस दिन ये टिकट हुआ था, इस दिन मेरे ख्याल से कोई 4 और 5 हजार फोन एक दिन में आए थे, जिसमें से मेरे ख्याल से मैं तो कोई 700-800 ही फोन उठाए होंगे, लेकिन मेरा फोन जो है बिल्कुल ठाई सा हो गया था। और मैंने जितने भी फोन उठाए, जिनसे भी बात करी, और मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे परिवार के, मेरा बेटा है इसके, मेरे हस्बैंड के, हमारे सब लोगों के जो है फोन बुरी तरह बनबना रहे थे। और सारे क्षेत्र का ये मन था कि जिसने इस पार्टी को बढ़ाया, जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उसका टिकट काट कर पार्टी ने बहुत गलत कर दी। मैं भी कहना चाहती हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने ख्याल नहीं, पार्टी ने दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, अगर नहीं भी लड़ाना है तो वैसा मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दें ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका दिक्कत। जैसे कि मेरा नाम बाबू हो रही है और आपका बाबू होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नगर की जनता बोल रही है कि अनीता को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत, जो भी मिलेगा इस पद पर संघर्ष के बंधन में चलती हूँ। मैडम आपने पार्टी से जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह जी फिर क्या करेंगे? आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी है, सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका काम और उसके लोग, मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ रहना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूंगी। पार्टी को मैंने परसों उनका फोन आया था, मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं अब उस बंधन से आपके से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा, मुझसे झूठ नहीं बोलते ना तो भी कोई बात नहीं।
और आज मैं आप सबके सामने भी कहना चाह रही हूँ, मैं मेरे परिवार के बंधन में आ चुकी हूँ। मेरा परिवार मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं लड़ूंगा। पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करोगे या निर्दलीय लड़ोगे? वैसे मैंने अभी ये सब तो आपको मैं तय नहीं करके बता सकती, क्योंकि अभी तो आज में ही तो सब कुछ हुआ है। आज गांव में बुलाया। मैडम, आपने जैसे अभी पंचायत जोड़ी है आपने आवास पे, तो उसमें गुर्जर समाज से आप आते हो, तो गुर्जर समाज के लोग थे या सर्व समाज के लोग थे? सर्व समाज के लोग थे सर। देखिये, मैं सुंदरावली गाँव की हूँ, लेकिन मैं शादी होकर नगर शहर में आई, तो नगर शहर और सुंदरावली गाँव तो यूँ मानो ये मेरा निजी परिवार। कुछ दिन पहले गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध किया था आपका, तो वो इस पंचायत में आए थे? मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरा गुर्जर समाज ने कोई विरोध नहीं किया। आज आपने देखा था हमारे गुर्जर समाज के अध्यक्ष मुखर्जी आपके बीच में थे, उन्होंने भी आपको कही था कि कांग्रेस के विरोध थे सब, कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के ऊपर, वो लोग ऐसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हर स्थिति में मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ी। बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम ने अभी एक बयान दिया था मीडिया को कि मैं उनको मनाऊंगा जा करके, और आज वो आपके घर पे भी आए, घर पे भी आए। आपने क्या बातचीत हुई? मेरे से कोई उन्होंने फोन पे कोई टाइम नहीं दिया था, क्योंकि आप किसी के भी घर जाते हैं और ऐसी स्थिति में जाते हैं तो जरूरत होती है कि आप जो है पहले फोन करके समय नियत करें, ताकि आदमी उस बात के लिए प्रिपेयर हो, है ना। उन्होंने मुझसे कोई टाइम नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं जानकारी मिल गई थी कि वहाँ पर गांव के लोग हैं और ऐसे ऐसे सब बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जो है जबरदस्ती आ रहे थे, तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि भाई साहब जो भी बात करें, मेरी निजी बात हो रही है, जो भी बात करें आप एक डेढ़ घंटे बाद आए, मैं जरूर बात करूंगी, आप एक डेढ़ दो घंटे बाद आएंगे, तो वो जो क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं जानती। किस एनर्जी को लेकर आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं मेरी जनता की एनर्जी को लेना चाहती हूँ। देखिए, आप मेरी जनता पाँच साल इस कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति से बहुत ज़्यादा परेशान रही है। मैं मेरी जनता को जो है छोड़ नहीं सकती, उनके लिए मैं लड़ूंगी और उनका हक दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा।